दसवें राउंड तक हरदा 135, चिमनरी 134 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डीडी उई के कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकॉम से 68,497 वोटों से आगे चल रहे हैं। जश्न का माहौल, आतिशबाजी कर विधायक कमल पटेल कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी प्रत्याशी डीडी उइके ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कल्याणकारी कार्य किए हैं, इसके आधार पर ये सुनिश्चित था कि देश की रक्षा सुरक्षा, देश के सर्वांगीण विकास, इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है। उस आधार पर सुनिश्चित था कि देश की जनता राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, देश की रक्षा सुरक्षा और देश के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक मंच पर माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। और इंदौर में शुरुआती रुझान आने से पहले ही बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल मतगणना कक्ष में कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों से कलेक्टर ने सीधे बदसलूकी की, जिसको लेकर मीडिया और कलेक्टर आमने सामने हो गए। इस दौरान मतगणना कक्ष में मीडिया और कलेक्टर के बीच तीखी बहस हुई और जमकर हंगामा हुआ। चलो सारे मीडिया वाले, पहली बार चुनाव कवर कर लिया हमने, आज तक कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं आई, अभी आज तक स्थिति मोबाइल पहले भी अलाउ नहीं रहे, लेकिन आज फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है, पूरे मीडिया को अलाउ की हमेशा की है।